हेलो एवरी वन वेलकम टू सिविल स्टैप दिस इज़ निधि आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो मैं आज आपके लिए यू जी सी नेट पेपर वन का यूनिट फोर जो कि है कम्युनिकेशन उसका सिलेबस डिस्कस करूँगी डिटेल में इससे पहले मैंने जो दूसरे यूनिट्स हैं जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग आई सी टी इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं आपको पता है कम्युनिकेशन जो हमारा यूनिट है यूजीसी नेट पेपर वन का वो सबसे इजी यूनिट माना जाता है और सबसे छोटा यूनिट माना जाता है बट But... बच्चे क्या करते हैं कुछ की कम्युनिकेशन करके ही नहीं जाते वो सोचते हैं कि इससे तो कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे बट ऐसा नहीं है हर यूनिट आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है कभी भी कुछ नहीं पता होता एन टी ए का किस यूनिट से कितने क्वेश्चन उठा के डाल देगा वो जैसे कि अगर आप इस बार का एग्ज़ाम देखोगे जो कि आपका कैंसिल हो चुका है ऑफलाइन जो हुआ था आपका एटीन जून को तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कॉम्युनिकेशन तो के क्वेश्चन जो हैं वो आपके काफ़ी पूछे गए थे तो ऐसा नहीं है है। कभी कभी हो जाता है कि किसी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बहुत रेयर होता है ऐसा बट एक आधा क्वेश्चन तो हर यूनिट से आता ही आता है आपको तो कम्युनिकेशन अगर इजी यूनिट है तो उसको क्यों छोड़ के जाना है उसको भी आपने अच्छे से करके जाना है तो इसका पहले हम सिलेबस एक बारी इसके साइट पे जो हमको गिवन है यूजीसी नेट की साइट पे वो देख लेते हैं आपका देखो कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा आपको आपको इसका मीनिंग आएगा टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये आएगा आपको ठीक है फिर इसके बैरियर्स भी पूछते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन वर्बल नॉन वर्बल इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन देन क्लासरूम कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी तो ये आपका कम्युनिकेशन आपकी वेबसाइट पे गिवन है कम्युनिकेशन का सिलेबस तो ये आपका इससे इतना क्लियर नहीं होगा मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ आपको कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना होता है देखो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग देन इसके फीचर्स क्या हैं हम क्यों कम्युनिकेशन करते हैं हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं एज अ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग हमें कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब आप अगर इंटरव्यू uh, के लिए भी जाते हो तो वहां पर भी आपकी सबसे पहले क्या देखी जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखी जाती है इसलिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अब ये देखो इतने सारे टाइप्स हैं आपके कम्युनिकेशन के डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन, इन दोनों को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं ठीक है देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब सेम आपके अथॉरिटी के बीच में जब कम्युनिकेशन रहती है जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल हो गया मैनेजर मैने man, दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो गया देन डाइगनल कम्युनिकेशन जब आपका एच है वो आपके इंप्लाय से बात कर रहा है सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है मतलब यहाँ पर अथॉरिटी नहीं देखी जाती कोई भी किसी से बात कर रहा है ठीक है देन फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देन वर्बल कम्युनिकेशन देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल जब आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो सेल्फ़ टॉक करते हो उसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कह देते हैं इंटरपर्सनल जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड ग्रुप कम्युनिकेशन जब आपके दो से ज़्यादा बट इतने भी ज़्यादा नहीं जैसे आपके दस बीस इतने लोग ठीक है देन आपका मास कम्युनिकेशन हो जाता है जब आप, आप नंबर ऑफ पीपल जो है वो काउंट नहीं कर सकते जैसा आप एडवरटाइजमेंट के थ्रू करते हो जब आप टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट देते हो अपनी कंपनी का तब यहाँ पे आप मास कम्युनिकेशन करते हो या मास जो हमारा मास मीडिया है या प्रिंट मीडिया है ठीक है तो वो भी आपका जो है मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाता है ठीक है तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा आपने कितने सारे टाइप्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के ये सारे हम पढ़ते हैं उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है कब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है हम तब बोलते हैं जब जो सेंडर होता है आपका मतलब जो मैसेज या जो आइडिया कन्वे करना चाहता है वही आइडिया सेम जो रिसीवर है जिसको वो बताना चाहता है उसी वे में जब उसका वो मीनिंग समझ लेता है उसको हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं तो इसके हमारे बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं जैसे कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए जो आपका जैसे मैं कोई चीज़ आपको समझा रही हूँ तो जो सुन रहा है जो रिसीवर है उसको एक्टिवली लिसन करना है मेरी बात तभी हम कहेंगे कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है अदरवाइज़ अगर उसका ध्यान इधर उधर होगा तो वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाएगा तो वो बैरियर आ जाए कम्युनिकेशन में ठीक है देन बैरियर्स पढ़ेंगे हम बैरियर्स में आप बहुत सारे टाइप्स के बैरियर्स पढ़ोगे जैसे कि आप सीमेंटिक बैरियर पढ़ोगे सीमेंटिक बैरियर जैसे कि आप लैंग्वेज ही अलग बोल रहे हो मैं जो हूँ वो पंजाबी बोल रही हूँ और जो रिसीवर है उसको पंजाबी आती नहीं है उसको हिंदी आती है तो ये बैरियर हो जाएगा सीमेंटिक बैरियर हो जाएगा या मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो बोलने में एक जैसे लगते हैं जैसे मैंने बोला प्राइज ठीक है मैंने आपका विक्ट्री वाला प्राइस बोला है और जो सामने वाला है उसने क्या सुना उसने ये वाला प्राइस सुना तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे राइट right होता है आपका एक ये वाला राइट right भी होता है एक आपका ये वाला राइट right भी होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में देन आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं मेंटली ठीक है mentally, कभी कभी होता है कि आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा तो आप उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो और जो हमारे सामने हमसे बात कर रहा है उसकी बात हम ध्यान नहीं देते ध्यान से नहीं सुनते देन पर्सनल बैरियर्स ठीक है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में देन मास मीडिया एंड सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपका जो मीडिया है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या हमारे जो है एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है किस तरीके की न्यूज़ आ रही है ये सारा मीडिया ही हमको बताता है ठीक है तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे देन कम्युनिकेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका जैसे आ जाता है आपका सेंडर ठीक है फिर सेंडर क्या करेगा सेंडर करेगा इनकोडिंग करेगा किसी मैसेज का जैसे कोई भी आइडिया है उसके पास उसको इनकोड करेगा लैंग्वेज में भी कर सकता है या फिर आप मैसेज के थ्रू भी किसी को जो है कन्वे कर सकते हो उसके बाद इसको जो रिसीवर होता है वो डिकोडिंग करता है कि जिस वे में इसने समझाया है उसी वे में इसने भी उस चीज़ को समझ लिया उसको हम डिकोडिंग कहते हैं फिर सेंडर जो है सॉरी रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो यस मैम ओके मैम तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि आपको समझ आ रही है मेरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आ रहा है तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में तो ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का फिर इसमें आपका बीच में नॉइस भी आ जाता है जैसे कि जब आप इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो किसी को व्हाट्सअप पे ठीक है या इंस्टाग्राम पे और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं आ रहा या नेटवर्क जो है वो लो हो गया तो आपका मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो ये आपका हो जाता है नॉइस में आ जाता है या अगर आप जो है कहीं पे पढ़ रहे हो बैठ के और या बात कर रहे हो और साइड में आपके व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा तो वो भी नॉइस हो जाएगा या कभी कभी क्या होता है जैसे कि कोई फंक्शन चल रहा होता है जगराता चल रहा होता है कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा होता है आपके आस शादी हो रही होती है तो आप जब किसी से बात करते हो तो वो नॉइस आ रही है बीच में उससे सही तरह नहीं सुनता अगले वाला बंदा जिसको हम बता रहे हैं तो ये भी नॉइस है तो वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे पास नॉइस भी होते हैं तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास नेक्स्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि इसमें टीचर स्टूडेंट्स अब इसमें सिर्फ क्लासरूम का ये मतलब नहीं है जो आपका पढ़ने वाला क्लासरूम होता है ये कुछ और चीज़ है इसके बारे हम में हम पढ़ेंगे डिटेल में फिर प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ क्लासरूम कम्युनिकेशन के कि अगर जो है हम कहीं पे कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए इसमें हम सीज़ पढ़ेंगे एस पढ़ेंगे फाइव सीज सेवन एस ऐसे करके हमारे कुछ होते हैं ठीक है कंक्रीटनेस ऐसे कंप्लीटनेस ऐसे करके आपके वर्ड्स होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं देन बैरियर्स ये हमने कर लिया देन मॉडल्स इम्पॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें आपके पास अलग अलग टाइप्स के मॉडल हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे जैसे कि अरिस्टोटल मॉडल हो गया आपका ठीक है शैनन वीरन मॉडल हो गया एक तरीके से इन्होंने ही कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ तो सब ने अलग अलग जो है वो प्रोसेस बताया हुआ अलग अलग स्टेप्स बताए हुए हैं ठीक है जैसे कि ये देखो बर्लोज एस एम सी आर मॉडल तो यहाँ पे एस एम सी आर क्या है सेंडर हो गया मैसेज हो गया चैनल हो गया रिसीवर हो गया तो इसने ये पूरा प्रोसेस बता दिया है कम्युनिकेशन का देन इसका श्रैम मॉडल देन बर्नल ट्रांजेक्शनल मॉडल लीनियर मॉडल्स ठीक है बहुत सारे मॉडल्स जो है वो इसमें हम करेंगे तो ये आपका जो है वो कम्युनिकेशन का सिलेबस है अब देखो कितना डिटेल में जो है ये मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन भी इतना छोटा यूनिट नहीं है जितना आपको लगता है तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक बारी फिर से देख लेते हैं मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मास मीडिया इन सोसाइटी कम्युनिकेशन प्रोसेस देन क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है क्लियर है आपको अब सिलेबस कम्युनिकेशन का तो ये पूरा आपका कम्युनिकेशन का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम में इसको सॉल्व करना है ठीक है तो आई होप आपको कम्युनिकेशन का सिलेबस अब अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट यूनिट्स का सिलेबस की वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं और हमारा बैच जो है यू जी नेट का वो ट्वेंटी जुलाई से स्टार्ट होने वाला है तो आप उसके लिए भी इनलमेंट करवा सकते हैं और ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट चाहिए ठीक है या किसी भी जो भी हमारी क्लास रेगुलर लगती है उसकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए उन्हें भी बताइए कि यू जी नेट का सिलेबस क्या है जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमने भी यू जी नेट का एग्ज़ाम देना है और उनको इतना आइडिया नहीं है सिलेबस के बारे में उनके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और और वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें